हेलो फ्रेंड्स, संदीप ज्ञान यूट्यूब चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी आपको पता होना चाहिए कि भारतीय सेना भर्ती प्रक्रिया में बदलाव किया गया है और इस बदलाव में काफी सारे क्वेश्चन जो है आपके दिमाग में अभी आ रहे हैं। क्या ये एक परमानेंट जॉब होगा? 3 साल के लिए सभी नागरिकों को इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा क्या? और इसमें क्या योग्यता रखी जाएगी, यानी कि आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी? और इसमें ये फिर क्वेश्चन पूछा गया है, पेंशन मिलेगी क्या? क्या आपको इसमें पेंशन मिलेगी? सैलरी कितनी मिलेगी? यानी कि यदि आप 3 साल के लिए भर्ती प्रक्रिया में शामिल होते हो, यदि आपका ज्वाइनिंग आते हैं, तो इसमें आपको पेंशन मिलेगी, इसमें आपको सैलरी कितनी मिलेगी? महिला पुरुष दोनों फॉर्म भर पाएंगे क्या? ये भर्ती प्रक्रिया यदि निकलती है तो इसका फॉर्म महिला पुरुष दोनों भर पाएंगे क्या? इसमें 8वीं पास फॉर्म भर पाएंगे? और इसके साथ इसमें फिजिकल परीक्षा नहीं होगी, क्योंकि काफी सारे वीडियो जो आपको इसमें बताए गए हैं कि केवल आपको इसमें अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाने होंगे और आप सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, यानी कि इंडियन आर्मी की ये जो नौकरी है 3 साल वाली, ये प्राप्त कर सकते हो। और काफी सारे ने तो ये भी बोल दिया है कि एक परिवार एक सरकारी जो नौकरी योजना थी प्रधानमंत्री मोदी की, वो यहां लागू होती हुई नजर आ रही है। काफी सारे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। यहां 5 से 6 मिनट का वीडियो होने वाला है, कंप्लीट यदि आप वॉच कर लोगे तो सेना भर्ती प्रक्रिया में जो बदलाव हुआ है उससे संबंधित जो लेटेस्ट क्वेश्चन आपके मन में, वो आपके जो डाउट्स आपके मन में, वो यहां क्लियर हो जाएंगे कि इस भर्ती प्रक्रिया में क्या क्या शामिल किया गया है। तो फ्रेंड्स, ये न्यूज है, इस न्यूज में आपको कंप्लीट क्वेश्चन जो है, आपके जो क्वेश्चन है, आपके जो डाउट्स हैं, वो क्लियर हो जाएंगे। सबसे पहले इसमें बताया गया है, आर्मी में आम लोगों को ट्रेनिंग देने का प्लान तैयार किया है, यानी कि ट्रेनिंग देने का प्लान तैयार किया गया। भारतीय सेना एक ऐसा ही प्रपोजल पर काम कर रही है जिसके मुताबिक आम युवा लोग 3 साल के लिए आर्मी में शामिल हो सकते हैं। इस योजना को टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया है, योजना का जो नाम आपको बताया गया टूर ऑफ ड्यूटी का नाम दिया है। और इसमें टूर ऑफ ड्यूटी पहले से चले आ रही शॉर्ट सर्विस कमीशन जैसा ही है, इसमें जैसा ही होगा, जिसके तहत युवाओं को 10 से 14 साल की आरंभिक कार्यकाल के लिए भर्ती प्रक्रिया करती है। अगर इस प्रपोजल को मंजूरी मिलती है तो सेना इसे लागू कर सकती है। सेना के एक प्रवक्ता ने कहा, सेना आम नागरिकों को 3 साल की अवधि के लिए बल में शामिल करने के ड्यूटी ऑफ टूर ऑफ ड्यूटी के प्रस्ताव पर विचार कर रही है। सेना प्रतिभाशाली युवाओं को आकर्षित के लिए अनेक प्रयास करती आ रही है, योजना के जरिए वे युवा भी शामिल हो सकेंगे। सिलेक्शन का तरीका अभी जैसा है वैसा ही रहेगा, हालांकि डीओडी की जो मॉडल में अनिवार्य सैनिक सेवा जैसे नियम होगा वही अनिवार्य है। भारतीय सेना प्रवक्ता अमन आनंद ने कहा, अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो यह सिस्टम पूरी तरह स्वैच्छिक होगा, इसमें सिलेक्शन प्रक्रिया के नियमों को कम नहीं किया जाएगा, आर्मी क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया जाएगा जो नहीं करेगी, यानी शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जिस तरह से लिखित परीक्षा एंट्री लिया जाता है, इसके लिए भी इसी तरह की भर्ती प्रक्रिया होगी। यानी कि इसमें बताया गया है कि पहले जो भर्ती प्रक्रिया के जो रूल्स थे, जिसमें आपकी लिखित थी, लिखित के बाद आपका इंटरव्यू था, वो ही रहेगा। इसके साथ साथ अभी आपने सोचा होगा कि 8वीं पास के लिए वैकेंसी इस प्रकार की वैकेंसी आएगी या 10वीं पास के लिए इस प्रकार की वैकेंसी आएगी, क्या इसमें जो कुक की जो वैकेंसी आती है, वासर की वैकेंसी आती है, धोबी की वैकेंसी आती है, हाउसकीपिंग की वैकेंसी आती है, जो ट्रेड्समैन की जो वैकेंसी आती है उनको शामिल किया जाएगा? काफी सारे क्वेश्चन अभी आपके मन में है और काफी सारे डाउट्स भी हैं। क्या कलर की जो वैकेंसी आती है वो इसमें शामिल की जाएगी? क्या जो जीडी की वैकेंसी आती है क्या उसको इसमें शामिल किया जाएगा? काफी सारी जो जानकारी है आपको इसमें वीडियो में देने वाले हैं। एक अधिकारी ने बताया कि सेना शुरुआत में ट्रायल बेसिस पर अफसर और अन्य रैंकिंग अधिकारियों एवं जवानों की सीमित वैकेंसी निकाल सकती है। तो इसमें सबसे पहले यहां देख सकते हो आप, पहले अफसर, अन्य रैंकिंग और इसके साथ जवानों में आपकी जीडी सामान्य ड्यूटी की जो जवान है, इसके साथ जो ट्रेड्समैन की ड्यूटी की जो जवान है, हाउसकीपिंग जो ड्यूटी की जवान है, और इसके साथ साथ 8वीं पास की जो रिलेटेड जो वैकेंसीज निकलती है, जिसमें आपकी हाउसकीपिंग है, ट्रेड्समैन 10th लेवल की है, जीडी 10th लेवल की है, क्लर्क 12th लेवल की है, इस प्रकार की जो वैकेंसी निकलती है उसको भी शामिल करने की बात यहां बताई गई है कि जवानों की सीमित वैकेंसी निकाल सकते हैं। लेकिन सबसे पहले ये लागू होगा अफसर और अन्य जो रैंक के अधिकारी हैं, यानी कि जो बड़े रैंक के अधिकारी हैं उनके लिए लागू किया जाएगा। इसमें मिलिट्री ट्रेनिंग के बाद एक इंटर्नशिप अनिवार्य होगी। और एक अन्य अधिकारी ने कहा कि यह प्रस्ताव सशस्त्र बलों में परमानेंट कमीशन के कॉन्स्पेक्ट से अलग 3 वर्षों के लिए इंटर्नशिप की अवधारणा है, इसके जरिए आम युवाओं को मिलिट्री लाइफ का अस्थायी अनुभव दिया जाएगा, सेना को होगा फायदा। इस टूर ऑफ ड्यूटी मॉडल ने से सिर्फ सेना में युवाओं की संख्या बढ़ेगी बल्कि सेना के पैसों की भी बचत होगी, उसे ग्रेजुएटी एवं पेंशन नहीं देनी पड़ेगी। इसमें यह बताया गया है कि इसमें ग्रेजुएटी आपको नहीं देनी होगी, पेंशन आपको नहीं देनी पड़ेगी। शॉर्ट सर्विस कमीशन के जरिए सेना में भर्ती हुए अफसरों को रिलीज करने तक का फ्री कमीशन ट्रेनिंग वेतन अन्य खर्च के तौर पर 10 साल में 5.12 करोड़ रुपए, 14 वर्ष के लिए 6.83 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं, जबकि 3 साल के लिए शामिल हुए लोगों पे 80 से 85 लाख का खर्च आएगा, जो कॉर्पोरेट जगत में मौके हैं। तो यहाँ अच्छा मौका है
और इसमें जो ऑफिसर लेवल की जो वैकेंसीज है पहले उनको कंप्लीट करवाया जाएगा, जो ग्रेजुएशन लेवल की जो एनडीए की जो कैंडिडेट्स हैं और उनका जो यदि सीधा सिलेक्शन होता है ऑफिसर लेवल की वैकेंसियों में, उस प्रकार की जो वैकेंसीज है पहले उनको जो कंप्लीट करवाया जाएगा। इसके बाद जो जवान की जो वैकेंसीज आती है, जीडी की वैकेंसीज आती है, कलर की वैकेंसीज आती है, इसमें भी शायद सोच सकते हैं, लेकिन प्रथम अफसर जो लेवल की जो वैकेंसीज है उनमें, इसमें आपका फिजिकल भी होगा, आपका रिटर्न भी होगा, इंटरव्यू भी होगा, यानी कि एसएसबी के अंतर्गत जो वैकेंसी निकलती है उसी प्रकार इसमें वैकेंसीज आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। और इसके साथ साथ एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी सेम रखी जाएगी, जितना पहले फिजिकल था उतना कंप्लीट करना पड़ेगा, जितनी आपको लिखित परीक्षा पेपर जो पास करने में अंक लेना होता था उतने ही अंक अभी आपको इसमें जो है देखने को मिलेगा। और सभी की सभी भर्ती प्रक्रिया के नियम जो शर्तें हैं वही रहेगी, क्योंकि आर्मी ने कहा है कि हम आर्मी की क्वालिटी के साथ छेड़छाड़ नहीं कर सकते। यदि आपका फिजिकल इसमें नॉर्मल कर दिया जाता है तो आर्मी की क्वालिटी जो है खराब हो जाएगी, यदि रिटर्न आपका जो नॉर्मल कर देता है तो क्वालिटी खराब हो जाएगी। तो इस प्रकार इसमें किसी प्रकार की छूट आपको नहीं मिलेगी, केवल आपको इसमें 3 साल के लिए जो है ज्वाइनिंग मिलेगी। यदि हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।